जरा जिक्र खैर सुनावणे अज़मत कुरान दे हवाले नाल सुनावणे सुभान अल्लाह क्योंकि सारी तवज्जो जड़ी ज्यादा है जदीद तालीम वाले पासे कुरान वाले पासो से बिल्कुल पीछे नहीं है तो मेरी कोशिश ये है कि माशाल्लाह आज ज़हनी तौर दे जिवें ज़हनी अज़माइश ते क्वेश्चन सवाल आत होंदे ने हो तौर दे आप दी ज़हनी थोड़ी जको एक्सरसाइज आ दे वर्जिश कीती वने कुरान वाले पासे थोड़ा जिया तो तरगी भी दे रही वने मालिक फरमाते अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम थोड़ा थोड़ा अलाव बेटे है हर्फ का बदला मन करल कुरान हर्फन फलहु अशरु हसनात के ला उस्ताद से जलवा गरन हदीस रसूल फरमाया जड़ा बंदा एक हर्फ पढ़े ना एक हर्फ कुरान का कितना एक हर्फ पूरा सिपारे की गाल नहीं पूरी सूरत की गाल नहीं भाई पूरी आयत की गाल नहीं पूरे लफ्ज की गाल नहीं एक हर्फ की गाल है मेरा बाता एक हर्फ की बात है फरमाया जड़ा एक हर्फ पढ़े करीम नबी मदीने वाले दा फरमान है अल्लाह रब्बे जुल जलाल उंदे बदले दा ने क्या देंदे दा गुनाह माफ फरमेंदे दा दर्जे बुलंद फरमेंदे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जेड़ा बंदा चाहते ने क्या ज्यादा मिले तो मेरे नाल मिल के चपड़ो अलिफ लाम मीम घाटे का सौदा हो बिने शक ना पढ़ाए जेड़ा नफे का सौदा हो तो पढ़ो चा इतना ही हर बिल अलिफ लाम मीम त्री ने क्या मिलती है त्री गुनाह माफ थी नंती त्री दर्जे बुलंद थी अल्लाह अकबर इसका माना ना कोई मौलवी जान दे ना कोई मुफस्सिर जान दे ना कोई मुहद्दिस ना कोई मुसन्निफ कोई राइटर नहीं जानता सिर्फ इसका माना खुदा जान दे या मीठा मदनी मुस्तफा जान दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल मालिक को ऐलान फरमाए ज़ालिकल किताबो ज़ालिकल किताबो लारे बफी फरमाए वो बुलंद रुतबा किताब है लारे बफी जिंदे अंदर शक नहीं जिंदे अंदर शक नहीं अल्लाह तुम्हारे ऊपर सवाल है क्वेश्चन है जड़ा बंदा शक करे वो कौन होंगे जड़ा शक करे वो काफिर होंगे कई आए जिन दावे कीते कैसा ये जब कुरान खिलते आ सकते हैं असा कुरान की आयत खिलते आ सकते हैं लेकिन मालिक का फरमान होया फातु भी सूरत में मिसले ही पूरा सिपारा तबात की गाल है पूरी सूरत खेलना बड़ा तबात की गाल है पर मैं एक आयत तक खेलना एक आयत तक खेलना दुनिया के किताबा जितने किताब आई हैं उनके अंदर रद्दो बदल थई है कांट छांट थई है अगर उनकी दी तफसील है तब उलमा इकराम ने आके उनकी कांट छांट की थी मुख्तसर की थी लेकिन कुरान उज़मत वाली किताब है ओ शाला वाली किताब है एक साल नहीं दो साल नहीं त्रै साल नहीं दुनिया के किताब अंदर हर साल बाद कोर्स जड़न शार्ट थीन शार्ट टू शार्ट कोर्स हो कोर्स होवन जी फरमाया भी साफ पढ़ाया होवे ताकि सदा बाल मेहनत करके अच्छे नंबर हासिल कर सके लेकिन अजमत वाली किताब है ये शाना वाली किताब है अजमत वाली किताब है क्वालिटीज वाली किताब है वो साफ से बुलंदियां वाली किताब है मालिक फरमाए एक भेजण वाला मैं सुभान अल्लाह कह दुनियादार नहीं भेजा इको कहे दुनियादार नहीं भेजा इको भेजण वाला मैं खुदा हां इंदा राइटर मैं खुद खुदा हां इंदा मुसन्निफ मैं खुद खुदा हां पर मैं जड़ भेजण वाला खुदा होवे जरण भेजण वाला खुदा होवे और जिंदे ते नाज़त थई होवे मीठा मदनी मुस्तफा होवे सुभान अल्लाह और कुरान दा अंदाजा कौन ला सकदा सुभान अल्लाह माशाल्लाह सनाखा ने मुस्तफा तशरीफ घेरने अल्लाह तबारक व तआला इन दा तोरावणा मेल बावणा तोरे सारे हक सारेया वास्ते बख्शिश दा जरिया बना ले सुभान अल्लाह हु अकबर मैं अर्ज किया करन हम दुनिया दे किताबा अंदर तब्दीली आई लेकिन तब्दीली नहीं आ सकदी बारह अजमत वाली किताब दे जिक्र बैठा करे ना अगर असा अपने बच्चे को तालीम दऊं अजमत वाली किताब दी शाना वाली किताब दी खुदा दी कसम एक किताब इथे ही काम लेंदी आखिरत ही काम लेंदी सुभान अल्लाह जेड़े जेड़े मनेंदे ओ काम लेंदी ऊंची बोलो सुभान अल्लाह मेरी मजबूरी है थोड़ा अलावणा तुसी तो सुभान अल्लाह बारह अजमत वाली किताब बगदाद शरीफ दा इलाका है केंदा इलाका बगदाद शरीफ दा जानदे हो होस ए आजम शायख अब्दुल कादिर जिलानी मोहल्ला जिलान विच पैदा थे और होस पाक दे नाम तो मशहूर है होस दा माना होंदे फरियाद रस्सी को पहुंचाण वाला मदद करने वाला एक माने नहीं कई माने हैं इन वास्ते वक्त दरकार है बिल्कुल मुख्तसर वक्त है अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर बगदाद शरीफ का इलाका केड़ा इलाका बगदाद बगदाद दा
एक मई बीबी का पुत्र है, मई बीबी का पुत्र है जरा पढ़ने में दे कुरान। यह कुरान इंदी है उच्ची शान, यह कुरान इंदी है उच्ची शान, जाए की ताई दा अदब एहतराम। एक कल जन्नत च होसी अगवान, उता तो आगू सागू झंडे सी जन्नत च मकान। जन्नत की लोड़ होवे ना, जन्नत मकान की जरूरत हो, चलो वो बैठे लाओ। सुभान अल्लाह, चलो मुझे थे बैठे हुए ना। बरल बगदाद का इलाके किबला उस्ताद साहब पाल कुरान पढ़ने में दे मुसलमान बीबी का पुत्र ते कुरान सीरन अल्लाह के वेंदे, कुरान सीरन अल्लाह के वेंदे। असा तो कुरान समझे ना जट्टा, ये कुरान जड़ा कस्मा चावण वास्ते आए। एक दूसरे का चोरी पानी लोड़ी खड़े हो जी, कसम जवागिन मैं पानी कोनी लोड़ा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो कुरान का पीपीरा समझे तवीजा वास्ते आए, हाफसा समझे सिर्फ फरमाए शबीनिया वास्ते आए, आलमा समझे तकरीरा वास्ते आए, लेकिन आ कुरान कुल का पूछना कुरान तू के ही चीज वास्ते आए। अजमत वाली किताब बोलते आधी फरमाया, मैं ना फरमा तवीजा वास्ते आया, ना मैं तकरीरा वास्ते आया, ना मैं शबीनिया वास्ते आया, जेड़े भुले हुए लुना को फरमाया सीधा रास्ता दिखावण वास्ते आया, जन्नत हकदार बनावण वास्ते आया। सुभान अल्लाह, मेरा दोस्त मेरा भाई जन्नत हकदार बन दे, खुद ही कुरान पढ़ अपनी औलाद को तालीम दे। कुरान अजमत वाली किताब है, शाना वाली किताब है। अल्लाह हु अकबर, बगदाद का इलाका मुसलमान बीबी का पुत्र कुरान चाहती मेरे पढ़ने वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने वास्ते पहले जमाना ही बुजुर्ग हजरत बैठे पढ़ने वेंदे आवे, कैदा नाल चा वेंदे आवे ना। सुभान अल्लाह, कैदा नाल चाते वेंदे आवे अल कुरान पढ़ पढ़न दे, फिर मैं लायक की वा काबिल बणवन वा कुरान ही सीने अल्लाह वेंदे आसे। सुभान अल्लाह, कुरान ही सीने अल्लाह वेंदे आसे। आज जो साल गुजर गया अलमारी रखे से चावण दा दिल नहीं करेगा, अलर्जी थी चावण वेले, सुस्ती कहली को दूर कर बाबा। कल खुदा दी कसम अगर इस कुरान को सीवी खा गई ना, हर 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 तेरे बारे बुले सी गाही रे सी मोला, सिर्फ डेकोरेशन वास्ते, सिर्फ सजावट वास्ते इन अपना अलमारी दी जीनत वास्ते बना के रखा हा, इना को तौफीक न थी दिया कदी चाह के गिलाफ छंड के ना, चाह के फरमाए को तुम में ना चाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कोशिश करो यार घर को दोस्त न बनाओ, जड़े घर में खुदा दी कसम है कुरान दी तिलावत होनी हो घर जन्नत तबाह है। सुभान अल्लाह, मैं जिम्मेदार हां, जड़े सीने अंदर कुरान नहीं है सीना वीरान है, वीरान घर हो उन्हें किला स्ताशो का सहज, जड़े घर में पता करी दाखिल न दिया होवे, कई दिन कई महीने कई साल गुजर चुके होवे। अल्लाह अकबर, मई बीबी का पुत्र कुरान पढ़ वेदे सीने न अल्लाह वेदे तिलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जड़ा ऐसा आया मई बीबी का पुत्र वापस वाल आया, जड़ वापस आया मई बीबी घर दे अंदर है, उना दा मकान कच्चा है, मकान जिन्हा दे पक्के मकान उन शुक्र अदा करके सुभान अल्लाह लाओ जा, मकान कच्चा है। अल्लाह अकबर, बारिश आई अचानक, जिन्हा बारिश जो आई ना बारिश मूसलाधार बारिश आई गई, जिस वेले बारिश आई मई बीबी दे मकान दी छत टूट पई, छत टूट पई, जिन्हा छत टूटी है मई बीबी रिठे बारिश दा पानी मेरे घर पिया दे, बारिश दा पानी मेरे घर भी आ दे। मैं भी बिताड़ी परेशान थी, उदा घर वाला परेशान है, उन घर वाला उठे वो अपना सामान चाहते, अपने सामान दी हिफाजत करना शुरू की थी, घर वाली उठी वो अपने सामान दी हिफाजत करना शुरू की थी। अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर। किबला पुत्र आई ना, कौन पुत्र आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मई बीबी अपना सामान चाहती खड़ी है, फरमाया अपने सामान की हिफाजत पई करें दी है, लेकिन जड़ा जवान है उनका घर वाला वो अपने सामान की हिफाजत पिया करता है। आखिरकार बच्चा आई, बच्चे की नींद खुल गई है, अख फरमाया बेदार हुई है, डिठे सी बाबा अपने सामान की हिफाजत पिया करें दा है, अम्मा अपने सामान की हिफाजत पई करें दी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाल सजे जिठे बाल खबे जिठे, आखिरकार बाल परेशान हो गए, अम्मा अपना सामान चाहिए खड़ी है, अब्बा अपने सामान की इबादत पिया करें दे, मेरा कोई ऐसा सामान नहीं जदि मैं ही इबादत करा। किबला बुजुर्गो नौजवानो मलको अमीरो खानो, फरमाया मई बीबी का बच्चा जेड़ा किबला सना खान मुस्तफा कुरान को चाहते सी, अद मेरे को तबई ऐसी चीज नहीं जदि मैं इबादत
करा एक चीज समझ हिफाजत करे सामे कुथे कमरे सी कबर ची कमरे सी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर फरमाया बाल कुरान चाते हर याद रखायो औलाद मां पे गुडाठी प्यारी होंदी है औलाद गुडाठी मोहब्बत होंदी है फरमाया औलाद गुडाठी पे औलाद मोहब्बत होंदी है बचपन होवे लड़कपन होवे फरमाया जवानी होवे प्यार होवे फरमाया जन शादियां हो वंजन वल प्यार खत्म होवे जन वड्डा मुर्शिद करमा वाली आवंजे वल प्यार खत्म अल्लाह हु अकबर मां को प्यार जोहा अबे को प्यार जोहा आदि पुत्रा रात दा बाकी हिस्सा ढे सारा प्यारा दे अली अद्धी रात नहीं गुजरी पर मैं कुरान तू चाती खड़े मेहरबानी कर मैं तेरी मां हां आखिर में तू तो प्यारा डाठा लग दे मई बीबी आखन लगी नाल सारे घर यहूदियां दा घर रे यहूदियां दा घर है फरमाया दे में तो कुरान में वेनिया यहूदी बीबी गुआ दियाड़ी सारा मकान कच्चाई बारिश आ गई है फरमाया फरमाया भाई हर समान दिया सा इबादत की थी खड़े गुजारे लायक लेकिन मेहरबानी कर जा सारे को एक अजमत वाली किताब है शाना वाली किताब है फरमाया सो गुबारिश तो बचावना चाहने है सुबह हो सी मेरा बाल कुरान पढ़ वे सी बरदार सो कुरान चाहे सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर मई बीबी आदि है जहरन ता मेरा बंगला डाढ़ा सोना है जहरन ता बंगला मेरा डाढ़ा सोना है लेकिन गाल सुन मैं कोई इजाजत रे थोड़ी देर वक्त रे मैं चक्कर लई आवा कोई मेरे मकान में जी कुरान को रखण दे दा दी जगह है अच्छा को भूले वदे हो सुभान अल्लाह अकबर मई बीबी चक्कर लाए घर दे अंदर जिस वेले चक्कर लाए ना मई बीबी ने फरमाया हूं मैं तो जहरी तौर दे बिल्डिंग बड़ी सोहनी आई कोठी बड़ी सोहनी आई मई बीबी चक्कर जो लाए आखर वापस वाले ये अखु चुनीर भाई वदी आई आदी बीबी परेशान न थी में घबरावे ना मेहरबानी कर जा जड़ी किताब तू चाहिए वदी है फरमाया जड़े जड़े नबी ते नाजल थई है ओ नबी नबियां दा सरदार है जड़ी किताब तू चाहती वदी है ते किताब किताबां दी सरदार है सुभान अल्लाह सुभान किताबां दी सरदार है लेकिन ये किताब को रखण वास्ते मेरे घर विच रखण दी दाह दी जगह कहे रखण दी दाह दी जगह कहे नी मेहरबानी कर वाले भी तेरे नबी दा फरमान सुनी वदियां ए यहूद कौन असा ता वाली मोमिन से ना मोमिन से तो हिम्मत तो फरमाया ता नमाज दा वक्त मिल दे ना कुरान दी तिलावत दा वक्त मिल दे वल भजते दब्बे पीरा कोल भजते लोटे पीरा कोल आ भंग पीवण वाले पीरा कोल शराबी पीरा कोल जेड़े हक तक के दी नमाज नहीं पढ़दे दाढ़ी मुंह दे कोई नहीं ढेडल डेडा मुच्छा है माशाल्लाह पीर होवे हुकु पीर मन सुभान अल्लाह बलोया दे वक्त ते पहुंचाई वक्त न पी दाकू वो खुद नमाज नहीं पढ़ता ते को नमाज हुक्म लेंदा न कुरान दी खुद तिलावत करेंदे न ते को लेंदे अल्लाह हु अकबर भाई तो मई बीबी आदि एक जड़ा कुरान नाजिल थे ना ई कुरान विच तेरे पाक मुहम्मद मुस्तफा को फरमा तेरा नबी जड़ा है फरमा उन्हें फरमाए कि रब्बे जुल जलाल पे फरमाएंदे ला यमसहु इल्ल मुतहालून फरमाया अजमत वाली किताब है ए ओ शाना वाली किताब है फरमाई को कोई हाथ लावे तो पाक थी के लावे सुभान अल्लाह आदि के हाथ ले दे ऊंची बोलो सुभान अल्लाह देखो कोई हाथ ले दे तो पाक थी के ले दे पल मेहरबानी कर जा मेको वक्त दे पर मैं सोहा लिबास पाती आवा पाक साफ थी आवा पर किताब को चा खड़ सा सुभान अल्लाह किताब तू चा खड़ सा मई बीबी जन ने गाल की थी ना किबला मलक बल को जट्टो अमीरो खानो अल्लाह हु अकबर किबला उस्ताद मोहतरम पर मैं जिस वेले मई बीबी ये गाल की थी मई सोहा लिबास पाती आई है फरमाया उसके बाद आदि बीबी दे कुरान में सुभान अल्लाह दे कुरान दे तू कुरान को बीबी सीने ना लई खड़ी है बीबी सीनड़ा लो कुरान को लई खड़ी है उसके बाद घर वाले आके ढेसरी वक्त थी गए ढेसरी देर थे गए मेरा बेटी घर वाले गई है दरवाजे ते वापस नहीं बल्ली वापस ते घर वाले को चाहिए था घर वाले के नहीं चली मुझे पूछना चाहिए था पूछना ये नहीं कि सुबह दी गई है शाम को आई है तू इतना गैरतमंद कहने इतनी ता गैरत अपने अंदर पैदा कर इतनी ता हया पैदा कर के घर वाली शाम को जवल लिए पछ के सारा ये वक्त गुजार के भैया ने कितना गुजार रही है और जड़न का पूछना छोड़े से खुदा दी कसम है औलाद बहया नहीं बन दी बेहया निकल दी है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आखिरकार घर वाला तुर पे दरवाजे ते आए इतने से घर वाले कुरान चाहती खड़ी है सुभान अल्लाह घर वाली
कुरान चाहते खड़ी आई तेरे घर वाले को लिखे सी ना पर घर वाले कुरान चाहते खड़ी है आ दे कुछ के तेरे सा ए हुआ किताब है जड़ी पाक मोहम्मद ते शान दे नाज़िल थई गई सुभान अल्लाह सुभान हुआ किताब है मेरी बीबी आदि हां हां हुआ किताब है मुसलमान बीबी दा पुत्र वेदे बगदाद पढ़ने वास्ते आज ये सुबह वैसी पढ़न सुबह खेल खेल सुभान अस्सा सुबह आखिरकार फरमा घर वाला दे घर जीवे तेरा साझा है मेरा ही साझा है जीवे घर दी मालिक तू है उए घर दा मालिक मैं हां ते मेहरबानी कर जा थोड़ी देर वास्ते कुरान फरमा रात दा जेड़ा हिस्सा बाकी है ना रात दा हिस्सा जेड़ा बाकी है फरमाइंदे करेने दो हिस्से कितने हिस्से दो हिस्से फरमा आधी रात कुरान को तू चा दे आधी रात कुरान को मैं चेना आधी रात कुरान को तू चाहते आधी रात को कुरान मैं चेना आखिरकार फरमाया थे आधी रात वंडा के देने किबला उस्ताद सब सुबह जो खाइए ना कुरान घेरण वास्ते मई बीबी आई है अरे याद ये बीबी मेहरबानी करे मेरे बच्चे दे स्थान वंडण दा टाइम ठीक है पढ़न वंडण दा टाइम ठीक है साको सारी किताब ने होचा आदि मुसलमान बीबी गाल सुन खे रात दा जितना हिस्सा सको कुरान चावण वास्ते रह गई हावे असा तल्ले नी से रखा असा तल्ले नी रखा असा सिंह लाख ना लाके खड़े रह गए हैं आधी रात मेरे घर वाले चाहते हैं आधी रात मेरी फरमर मैं खुद चाहता है आखिरकार मई बीबी अकल लगी मुसलमान बीबी को अड़ी मेहरबानी कर जा अड़ी मेहरबानी कर जा जड़े पाक मोहम्मद होते एक किताब नाजिल थी है जड़ किताब इतनी अजमत आली है पाक मोहम्मद कितनी अजमत वाला हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोहम्मद कितनी अजमत वाला हो सी अकल लगे मेहरबानी कर हु पाक मोहम्मद दा बेको कलमा पढ़ा सुभान अल्लाह पाक मोहम्मद दा बेको कलमा पढ़ा आई दा यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान ही थई यहूदी मुसलमान थे यहूदी मुसलमान थई मतवाले को पूछना चाहना ओ यहूदी हामिन मसाबिया होवे अल्लाह हु अकबर असा तो गुजरे रात दा टाइम सुत्ता पे यार दे कमरे विच आराम करेंदा पे आखिरकार यार को आधे मेरे को नींद नहीं आंदी मेरे को नींद नहीं आंदी यार आके चलो नींद आवे यार वर चला गए थोड़ी देर तो बाद बल महमूद नजरवी जन नेंद्र ना आवे सा एक एक शय गुदड़े ने क्या वाले इट्टा को गिन दे है क्या वाले गाडर गिन दे है क्या वाले टियर गिन दे है जन नेंद्र ना आवे सा सुचें दे है रब तारे क्यों बनाए रब फरमाया बादल क्यों बनाए मशरक ते मगरिब शुमाल ते जनूब क्यों बनाए सी अल्लाह को सुचें दे आखिर नेंद्र आवे दी है महमूद गजनवी परेशान थी गए आदे फरमाया डिठे सी फरमाया कल माड़ी दे अंदर कुरान पे परेशान थी गए आदे सोना केड़ी वजह तू सजा हावी आदे सजा दा जड़ा मकसद हा लेकिन भूल गईया मैं भूल गईया ते रल गईया सुचे दा पिया अगर मैं कुरान को बहर कढ़े ना महमूद गजनविया इतना बदबخت थी गए इतना बदनसीब थी गए इतना बेहया थी गए अजमत वाली किताब को बहर कढ़े ने खुद बहर नहीं निकलता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह कर शबा सुभान अल्लाह बहर निकलवन कुरान को बहर ना कढ़े तो महमूद गजनविया दे यो अदब चक कितना कुरान था पहले की कोई कम नहीं आई न दावता का मंजन न खराता का मंजन न उशा न जकात का मंजन पर मैं कम आए तो जो कुरान अदब कम आए सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी अजमत कुरान अल्लाह फरमाइयो कुरान दा अदब जो की तुम्ही हो कम आए रब ताला फरमाए रब ताला दे जिक्र करू जरा नहीं दूर थू अल्लाह सब तो पहले फरमा सा रेस को बंद करे दे बंद करे दे रेस को बंद कर दे दे तंग कर दे दे कुरान पाक दी आयत मुबारक दा तर्जुमा बैठा सुने ना पमन आरादान जिक्री फइन लहु मईशतन दनका फरमाए जड़ा जिक्र तू मुंह में ओढ़ खिले जिक्र तू मुंह फेर खिले मालिक फरमाए सब तो पहले मौ दी रोजी तंग कर छुड़े ना सुभान अल्लाह तो पहले रोजी तंग कर छुड़े ना मेरा भाई मेरा बुजुर्ग जे चाहने ना कबर सोनी बड़े दुनिया सोनी बड़े औलाद को कुरान दी तालीम दे तू कुरान पढ़न वाले को कोई समझता ही कह रहे इना दा कोई मकाम ही कह नहीं जी इना दा कोई शान ही कह नहीं
अल्लाह अकबर इन्हों का बड़ा मकाम ही इन्हों का बड़ा शान ही अल्लाह अकबर एक बंदा मेरे को मिले रुकनाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सदात इमाम बंदा मिले आदे जी कारी साहब तुम्हारे को कुरान पढ़ना बाल कौन पढ़ना कुरान कुरान बाल पढ़ना ने तो मेहरबानी करो उस पर कुरान पढ़ने की तरबियत करो मैं तो नमाज नहीं पढ़ता चलो ये तो पढ़े मैं जो नमाज नहीं पढ़ता चलो ये तो पढ़े मैं कि ये क्यों पढ़े मैं कि जालिम दुनिया तू खुद नमाज नहीं पढ़ता खुद कुरान की तिलावत नहीं करेगा ये एहसान समझ तेरा पुत्र कुरान पढ़ने वास्ते आता खड़े एहसान समझ अल्लाह अकबर मैं कि किवें नमाज पढ़सी तू खुद नमाज पढ़ से ना खुद बाल तेरी करे सी ना कर जिन्हें मने दे मेरी गाल छोटा बाल खामड़ा कि तू सीख दे और माँ पी पुड़े थे कि मेरा पी रोटी तो टुकड़ा बन के खादा पे दे देने माँ पी को जड़े मने दे ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह नहीं गला सकते तो बैरिकेड आखी रखो माशाल्लाह की करो मोस्ट वेलकम आखी रखो इतना को जलाओ बैठे अल्लाह अकबर बाल खावड़ कितू सीख दे माँ पी कूड़े दे तो सीख दे अपा मेरा रोटी ही बने दे फरमाई साल अल्लाह के मुंह च पे दे पानी मेरा अपा ही पी दे अम्मा ही पी दी है अल्लाह तुरंत सीख दे तो अस खुद कुरने है उंगली पकड़ पकड़ के खुदा दे बंदे जालिम दुनिया जिमे बाल को खावना सीखे ने जिमे बाल को पीवना सीखे ने इवे बाल दी उंगली पकड़ के खोती मस्जिद किया कर खोती नमाज पढ़ी कर खोती बैग निमत का मौत नहीं आंदी सारी सारी रात सारा साड़ी होटल में गुजारते ने मोबाइल टच मोबाइल सारे नौजवान गुजारते ने यूट्यूब की सूरत में गुजारते ने गूगल की सूरत में गुजारते ने अरे पूछे से जुरत नहीं की थी हिम्मत नहीं की अल्लाह अकबर सही जुरत नहीं थी कढ़ाई भी जुरत नहीं थी क्यों सरसा चलन का औलाद गुल खला जुदा की देना सारी औलाद सारे सामने भोक दी और सारी तरबियत दास है सारी तरबियत दास है अल्लाह अकबर जे चाहने औलाद ना दी मस्जिद में औलाद दी उंगल पकड़ की बन चस्केदार बड़े वास सुने हो सुन तुसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साक उस्ताद है सबक नहीं पढ़ाया कम दे हाथ रख के वास सुनो तो बंदे को कोई समझ ना आवे सारा कम में असा अपनी भी सलाह करूं तो सारी दुनिया की भी सलाह करूं सारी दुनिया दे लोगों की सलाह करूं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अगर नमाज असा पढ़सू सारा बाल लेखी बाबा कन्ना को हाथ ही ले दे बाबा कयाम में ही खड़ दे हाथ उंगली ही बधे दे हाथ ही बधे दे रुकू ही हालत च बैंदे सजदे ही हालत च बैंदे जलसे में ही सूरत च बैंदे जिन्होंने साए खुदा की कसम औलाद नाल यो बर्ताव कीता खुदा की कसम है एक हफ्ता औलाद को तू नमाजी चा बना 70 साल की उम्र को शुरू कर 10 साल की उम्र में उम्र तक 18 साल की उम्र तक तू नमाजी पढ़ावन खुदा की कसम है तेरे मरण तो बाद दीवे बंदे ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर एक पुत्र को तू नमाजी बना गयो ना पूरा घर सुधरवे पूरा घर सुधरवे मैं गारंटी देना पूरा घर न सुधरे में तू मोहम्मद का गुलाम ना की अगर तू पुत्र को नमाजी बना गयो तेरा पुत्र अक्सी अपा मेरे को नमाज पढ़ने वास्ते खेलवेंदा है मैं उंगल पकड़ के ये मैं उंगल पकड़ के खेलवेंदा हा लेकिन जुलो फरमाया पुत्र ही वे तो सही जो लोग कुरान पढ़ने वास्ते तो सही जो लोग नमाज पढ़ने वास्ते नमाज ते पाबंद बढ़ दे हम खुदा दी कसम तेरे महली शाह बढ़े और जिन्हें नमाज नहीं छोड़ी कुरान नहीं छोड़ा आज बन जड़ी दरबार ते कुरान ही पढ़ींदा पे लोग नफली पढ़ते खड़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रब को राजी कीते और जिन रब को राजी कीते रब मखलूक के खुदा को भेज को राजी किया करे सुभान अल्लाह हुन त मनीज पवो हुन त मनीज पवो जड़ वाले आदे सकरात लगी पई है क्या लगी पई है सकरात सकरात लगी पई है सडो उस्ताद अकरम साहब को पढ़े सूरत यासीन सडो कारी शौकत को कारी अल्लाह बचा बख्त साबरी साहब को अल्लाह को सर पढ़ सडो ना को कुरान पढ़े सकरन कुरान पढ़े सकरात लगी पई हूं ले डाठा कुरान याद आ कुरान डाठा याद आ नहीं तो कम से कम बच्चे को कुरान पढ़ा जुबान ते चाहने लड़ खड़ा है ना वल कुरान दे आदि बना अपने आप को नवाज दे आदि बना जे चाहने मरते वेले कलमा नसीब थी वेन तो खुदा दे कसम है तो वल अपने आप को पांच वक्त बा जमात दे नवाजी बना आमीन आमीन खोती नवाजी बन औलाद कोई नवाजी बना दावत दा कम चले आदा कई चली वदे होवे ना स
سال دو بعد دعوت تکرے سو حق ادا تھی خدا دی قسم ہے حق ادا کو نہ تھی سیا برحال قرآن دی گال کی تیمی نماز دی کتنے بندے بیٹھے ہوئے جڑا قرآن پڑھن دا وعدہ کرے دے نماز دا وعدہ کرے دے حد چاہ کیا کو بات چھو بات پانچ وقت پانچ وقت پڑھ سو دا ہی کہنا چھوڑے سو نماز جڑے حالی حد لے کی تی بیٹھے سبیہ پہ کھنو کیڑا پہ نمازی بیٹھے آخری میسج اسلام ہی ہوئے نہ قرآن کی تلاوت چھوڑنی ہے نہ نماز چھوڑنی ہے بلکہ حدیث رسول من زار القرآن کنما زار علی کریم نبی فرمایا جدا دل کی بوئے میٹھے پاک محمد دی زیارت کرا میٹھے پاک محمد دی زیارت کرا اور زیارت کرنے واسطے اسا کلیم بڑھنا پوسی یا پیر مہر علی شاہ بڑھنا پوسی بابا دا ملتانی بڑھنا پوسی محنت رکھتی محنت اللہ اکبر جدا دل کی بوئے کی زیارت کرا پاک محمد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قرآن چاوے چا کیا کرے قرآن چاوے چا قرآن دی زیارت چ کرے میں سمجھو میٹھے پاک محمد دی زیارت بیٹھا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کرے نا میٹھے پاک محمد دی زیارت بیٹھا کرے نا تے جے دا دل تھی بو رب نال گل ہی کروں کیا کروں رب نال گفتگو کروں ہر بندے دا کام نہیں گفتگو کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا جے دا دل تھی بو رب نال گفتگو کروں او قرآن کو چاوے قرآن دی تلاوت چا کرے میں سمجھ رہا بڑا لگو تو کو بیٹھا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ او ادھی رات دا ویلا ہووے ادھی رات دا تے بندہ گل کرے دا بیٹھا ہوندے دی آرام وچ پتر آرام وچ برادری والے سارے اپنے اپنے گھر آرام وچ رات دا ٹائم ہووے ادھے بیٹھے ہوندے ربانا سولے ہونے چھکوان دی سادے مولوی جن ٹھلا رستا اتنا ٹھلا رستا جنازی علی دعانی آدھی دہی حچا پڑھ ربانا آتینا فی دنیا حسنتو تو مرو کوئی دا دعا یاد کرے گی کوئی دا دعا یاد کرو دا صحیح نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار ادا مانا بھائی دوری علی صاحب کن پچھ سکتے ہو ربنا اے میرے پالڑ ہار ربا اتوارے محول دے مطابق ترجمہ مفہومی ترجمہ فرمایا اے میرے پالڑ ہار ربا رات دا ٹائم ہوندے گالی کرے نا بیٹھا ہوندے کوئی ہوڑا تا اے آدھا بیٹھے دعا واسطے حد چاہی بیٹھے اے میرے پالڑ ہار ربا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قنا عذاب النار میری دنیا ہی سونی بڑا تے میری آخرت ہی سونی بڑا سبحان اللہ کوئی ہوندا تے جے لڑکا نہیں کرے دا بیٹھا ہوں بار بار آخری شعر رخ مصطفی جلوے جو لائے ہیں رخ مصطفی جلوے جو لائے ہیں اسمان دے چند تارے بڑے خدا نے محمد دی شان وچ سہرے جو لکھے قران دے سپارے بڑے و ما لنا الا البلاغ المبین